हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश सुश्रीमाल। मैं कवर्धा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने यूपीएससी सीएसई 2020 में 94 रैंक हासिल की है। दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ब्रीफ अबाउट माय सेल्फ। मैंने अपनी इंटायर स्कूलिंग कवर्धा छत्तीसगढ़ से की है। देन आई मूव टू रायपुर, द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में की है NIIT रायपुर से। आई ग्रेजुएटेड इन 2019 और उसके बाद मैंने कम्प्लीटली डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट की यूपीएससी की। 2019 में भी मैंने अटेम्प्ट दिया, जब इट वाज एन असेसमेंट अटेम्प्ट, जब मैं देखना चाहता था कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर सकता हूँ कि नहीं। इन 2020 आई प्रिपेयर्ड फॉर वन ईयर एंड देन वन ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड फाइनली आई सिक्योर्ड 94th रैंक। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट जीएस मेंस प्रिपरेशन। मेंस की प्रिपरेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को एक नाइटमेयर देती है कि हाउ टू स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन। सो टुडे आई वॉन्ट टू डील विद दिस टॉपिक। मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस काफ़ी ब्रीफ है लेकिन स्टिल वो एक आइडिया दे सकता है कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। आप जब कम्प्लीटली सिलेबस देखते हैं जी एस 1, 2, 3 and 4 का, तब आप देख सकते हैं कि GS 1 के सिलेबस में सोसाइटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड हैं। आपको एक एक टॉपिक पिकअप करना है। टॉपिक में जो सब टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स को पिकअप करके फिर उसमें आप जो भी कंटेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं उसको आप प्रिपेयर करके देन अपने आंसर्स में लिखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ गवर्नेंस। इन गवर्नेंस बहुत सी बेसिक जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी सिलेबस में दे रखी है, बट हाउ टू आंसर डैट, ये इंपॉर्टेंट होता है जब हम GS की प्रिपरेशन करते हैं, जब हम मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स, पंचायत्स, इवन द सेंट्रल लेवल, प्रिपेयर डैट, आप उसको यूज़ करके अपने आंसर को इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वॉट वी कॉल एज इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द आंसर एंड एडिशन टू द आंसर्स। ये चीज़ आपको करनी ज़रूरी है। एथिक्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज एक पूरा कम्प्लीट पेपर एथिक्स में है एंड पीपल थिंक कि अब वहाँ से स्टार्ट कैसे किया जाए। सो पर्टिकुलरली फॉर एथिक्स आई कैन से, बिकॉज मैंने 117 स्कोर किया एथिक्स में, इट इज़ क्वाइट गुड विद रिस्पेक्ट टू दिस करेंट ईयर स्कोर्स। तो GS 4 की प्रिपरेशन और एथिक्स की प्रिपरेशन के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ प्रिपेयर एग्जांपल्स। आप एग्जांपल्स अलग अलग डायरेक्शन से लेकर आ सकते हैं। इट कैन बी योर पर्सनल एग्जांपल, एग्जांपल फ्रॉम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, और कुछ भी तरीके के एग्जांपल हो लेकिन रिलेटेड टू द सिलेबस। सिलेबस बहुत ही सही से लिखा हुआ है, GS 4 का सिलेबस, इंटेग्रिटी, पब्लिक सर्विसेज, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, एक्सपेंड इट, लर्न द डेफिनेशंस एंड राइट द डेफिनेशंस। आपको प्रैक्टिस कंटिन्यूस करनी है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने ओवरऑल आंसर्स को, इवॉल्व योर आंसर्स। सो टू स्टार्ट विथ यू कैन डू जो मेन्स स्पेसिफिक स्मॉल टॉपिक्स है, लाइक इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, एथिक्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये स्मॉल टॉपिक्स है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन है, दिज आर स्मॉल टॉपिक्स। यू कैन स्टार्ट विद दिस। एज एंड व्हेन आप एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं, एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन गिव अ टेस्ट। 5 से 6 क्वेश्चन का एक स्मॉल टेस्ट प्रिपेयर करके आप वो टेस्ट दीजिए। इससे आपका असेसमेंट हो जाएगा कि वॉट एवर यू हैव डन थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वो आप सही से इम्प्लीमेंट कर पा रहे नहीं, बिकॉज एट दी एंड आपकी नॉलेज कितनी रिफ्लेक्ट होती है आपके आंसर्स में, उस पर ही डिपेंड करता है कि GS मेंस में आपका कितने मार्क्स आएंगे। देन कुछ टॉपिक्स हैं कि कैसे प्रिपेयर करें ये समझ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर, इट्स अ वास्ट टॉपिक। सो आई वुड रिकमेंड कि रीड न्यूज़पेपर्स, रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, जो एडिटोरियल्स होते हैं, स्पेशली आई हैव रेड दोज ऑफ अशोक गुलाटी सर फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ने से आपको जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं विथ डेटा, विथ गवर्नमेंट स्टेप्स, सारे चीज़ एक साथ कंपाइल्ड मिलते हैं। तो इस तरह के जो शॉर्ट ट्रिक्स एंड ट्रिप्स है, ये आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने एफर्ट्स को और चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो सकती है।
नाउ हाउ टू यूज़ करेंट अफेयर्स इन जी एस मीन्स दिस दिस इज़ अ वेरी पेक्यूलर टॉपिक और पेक्यूलर प्रॉब्लम विच ईच एंड एवरी स्टूडेंट फेस. तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वेन एवर यू लुक एट दी एनी न्यूज़, आप इस तरह से देखिए कि ये मेन्स में कैसे मेरे आंसर में काम आ सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल देर इज़ अ न्यूज़, आई ऑफन गिव दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल. देर वॉज अ न्यूज़ कि एमपी में जो लोअर कास्ट पीपल थे उनके साथ एक एट्रॉसिटी के इंसिडेंट हुई थी. आपको ये इंसिडेंट लगता होगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा यूपीएससी के प्रिपरेशन के हिसाब से, बट दिस इज़ एग्जाम्पल विच कैन मूव द एग्जामिनर एंड विच कैन रिफ्लेक्ट यूर ओवरऑल प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन द प्रैक्टिकल लेवल. ये आप जी एस वन सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ इन जी एस टू गवर्नेंस एज वेल एज जी एस फोर. सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ योर एग्जाम्पल्स, मैक्सिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप हर के लिए डिफरेंट कंटेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते. तो यू हैव अ कॉमन कंटेंट, यूज डैट इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. इससे आपका जो ओवरऑल एफर्ट्स है वो डिक्रीज हो जाएगा और जो ओवरऑल रिजल्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज़ द बेसिक्स वॉट वी कैन डू विद रिस्पेक्ट टू जी एस मीन्स प्रिपरेशन एंड दैट इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू कवर विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.